हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्विंस को एक साथ संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा एंड बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है, स्पेशली शुरुआत के एक साल तक। और कुछ मदर के लिए तो ट्विंस को एक साथ संभालने का जो प्रोसेस होता है वो इतना ज्यादा प्रेशरफुल होता है, वो जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होने लगती हैं। तो आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ट्विंस मदर में इसका जो खतरा होता है वो बहुत ज्यादा ही रहता है। जब आपके ट्विंस बेबी हो जाते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान एंड अपना पूरा टाइम उन्हीं में लगाना पड़ता है, आपको अपने लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। आपको ये बात जरूर समझनी है कि आप ट्विंस बेबी को उस तरह की देखभाल नहीं दे सकती हैं जो आप एक बच्चे को दे सकती हैं। ट्विंस को एक साथ पालने की जो आदत होती है उसको बनने में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा समय लगता है। और इसके अलावा जो ट्विंस मदर को अपनी नींद को पूरा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डिलीवरी के बाद शुरुआत के एक साल तक 7 में से केवल एक महिला ऐसी होती है जिनको रात में 6 घंटे से अधिक नींद आती है। ट्विंस में पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जो संभावना होती है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगी, अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम है तो जैसे जैसे आपका टाइम नजदीक आएगा तो आपको ट्विंस बेबी आने की खुशी कम होगी बल्कि उनको पालने की, उनको संभालने की टेंशन बहुत ज्यादा होने लगती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपकी डिलीवरी के बाद में थोड़े बहुत दिनों तक आपको इरिटेट होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना वो सब नॉर्मल है एंड ये बढ़ते टाइम पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कई रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन कि आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है एंड दूसरा रीजन कि अगर आपके पार्टनर अच्छे नहीं है, आपको समझने वाले नहीं है, तब भी आपके बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं आपके अंदर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के। कि आपके शरीर में हार्मोन्स भी चेंज होते हैं उस वजह से भी होता है। और एक रीजन होता है आपकी नींद का पूरा ना हो पाना। तो ट्विंस मदर में जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो सबसे पहला लक्षण है कि आपको एक बच्चे वाली माँ को देखकर ईर्ष्या भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा रोने का मन करे, हर बात में रोने का, और आपको सोने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगे एंड इसके अलावा आपके मन में बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे विचार आने लगे, जैसे कि आप सोचने लगे कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ और आप जो है अपने बच्चों का सामना करने में बहुत ही ज्यादा डरने लगे, और दिन भर अपने आप को ही दोष देना, और आप छोटे से छोटे काम में भी बहुत ज्यादा डरना शुरू कर दें, और आप जो है 24 घंटे तनाव और आपको 24 घंटे चिड़चिड़ापन महसूस होने लगे एंड आपका किसी भी काम में बिल्कुल भी मन ना लगे, यहाँ तक कि आपको अपने बच्चों को भी देखने में अजीब सा लगने लगे एंड उनको पालने में भी अजीब सी फीलिंग आने लगे और आपका बस ये मन करे कि आप सिर्फ अकेले ही रहना चाहते हो। आपके अंदर इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स दिखाई पड़े एंड आपको बढ़ते टाइम पर आपके सिम्टम्स जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं। और ये जो फीलिंग होती है वो आप किसी को समझा ही नहीं सकती है, ना ही आपकी कोई समझने वाला है, सिर्फ आप अपने आप को समझ सकती हैं कि आपको कैसा लग रहा है एंड इसके अलावा आपके डॉक्टर आपको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी चीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है स्पेशली डिलीवरी के बाद, तो आप अपने डॉक्टर से मिलने में एंड उनको दिखाने में, उनसे खुल के बात करने में बिल्कुल भी ना शर्माएं। नहीं तो मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा डिप्रेशन होता है, अगर इसका टाइम पर इलाज ना किया जाए तो ये आगे चल के बहुत ही ज्यादा घातक होता है। और हो सकता है आपके मन में ये भी ख्याल आए कि अगर मैं किसी को खुल के बताती हूँ तो मेरे बच्चे मुझसे दूर कर दिए जाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जाता है, बट कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो विदाउट ट्रीटमेंट ही सही हो जाते हैं। और रिसर्च के अनुसार पता चला है कि 10 में से एक फादर ऐसे होते हैं जो वो भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगर ट्विंस फादर की हम बात करें तो इसकी जो गणना है वो इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर आपको अपने हस्बैंड में ये कोई लक्षण नजर आते हैं तब भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। और आप ये ना सोचिए कि आपको नहीं हो सकता है, मैं आपको बता दूं डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, बस अगर आप जागरूक हैं तो आप टाइम से बच सकती हैं, अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आप धीरे धीरे ही इसका शिकार होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करें तो ये एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है, आपको इस बात को जरूर समझना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि हर ट्विंस मदर इस चीज से वाकिफ हो एंड वो समझ सके कि उसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही मैं बेल आइकन भी दबा ले ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।